हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लो। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी को कलर रिप्लेसमेंट टूल के बारे में बताने जा रही हूँ कि कलर रिप्लेसमेंट टूल कैसे यूज किया जाता है फोटोशॉप में। ओके, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि कलर रिप्लेस मतलब कि किसी भी इमेज के ऑब्जेक्ट्स के कलर को चेंज करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है टूल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कलर रिप्लेसमेंट टूल की थियोरी समझ देते हैं कि कलर रिप्लेसमेंट टूल किन मोड पे वर्क करता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ से टूल पैनल में जाते हैं और यहाँ से कलर रिप्लेसमेंट टूल को पिक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मोड है, आप देख रहे हैं कि ये फोर टाइप्स के मोड्स होते हैं जिन पे वर्क करता है कलर रिप्लेसमेंट टूल। तो कौन कौन से होते हैं? ह्यू, सैचुरेशन, कलर, ल्यूमिनेसिटी। तो आप मेरे इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कलर रिप्लेसमेंट टूल से रिलेटेड चार्ट मैंने एक डिस्प्ले किया हुआ है स्क्रीन पे। मोड में आप देख रहे हैं चार टाइप्स के मोड हैं। अब ये क्या करता है कि ब्लेंड कलर और बेस कलर जो होता है उनको दोनों को मिक्स करके जो रिजल्ट होता है वही ये मोड देता है। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं ह्यू, सैचुरेशन, कलर और ल्यूमिनेसिटी, इन्हीं चार मोड्स पे हम लोग वर्क करते हैं कलर रिप्लेसमेंट टूल को। अब यहाँ से सपोज ह्यू हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ह्यू क्या वर्क करता है, अभी मैं जस्ट एक इमेज लेके आपको बताती हूँ। सपोज ये इमेज है, ठीक है। इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये जो अभी कलर है ये क्या है, ओरिजिनल कलर है, मतलब ये बेस कलर है, ठीक है। ये बेस कलर अगर आप यहाँ से ह्यू लेते हैं तो ये केवल बेसिक कलर को बदलता है, ये सेचुरेशन और ब्राइटनेस को नहीं बदलता, बेस कलर के बेसिक कलर को बस चेंज करता है। सपोज ये ग्रीन है तो अब यहाँ से मैं कलर को पिक कर लेती हूँ। ओके, इसको मैं पिक कर लेती हूँ और इस पे अप्लाई करती हूँ। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये अभी ग्रीन कलर था, बेस कलर था, जस्ट मैंने इस पे कोई दूसरा कलर अप्लाई किया तो वो क्या हुआ, ब्लेंड कलर में चेंज हुआ, ठीक है। दूसरे कलर को जब भी आप मिक्स करेंगे तो वो क्या होगा, ब्लेंड कलर होगा। ओके, तो उसी तरह से आप देख रहे हैं कि अगर किसी इमेज में ह्यू की वैल्यू दी होती है, ब्लेंड कलर में ह्यू की वैल्यू दी है और बेस कलर में ल्यूमिनेसिटी एंड सेचुरेशन की वैल्यू दी है, तो इन दोनों को मिक्स करने पे जो रिजल्ट आता है वो ह्यू मोड का होता है। ओके, उसके बाद जस्ट आप देख रहे हैं सेचुरेशन। सेचुरेशन मोड में क्या होता है, सेम होता है, कोई इमेज में ब्लेंड कलर में सेचुरेशन की वैल्यू होती है और बेस कलर में ल्यूमिनेसिटी एंड ह्यू की वैल्यू होती है, तो इन दोनों को मिक्स करते हैं, देन जो रिजल्ट आता है वो सैचुरेशन मोड का होता है। कलर मोड भी सेम ऐसे ही होता है, कलर मोड लेते हैं, यहाँ से कलर मोड अप्लाई करते हैं। ओके, कोई इमेज ले लेते हैं, सपोज इसी इमेज पे हम लोग कलर मोड को अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से जस्ट कोई अनदर कलर को पिक कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं ह्यू और कलर ये दोनों सेम होता है। ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई भी कलर आप लेंगे वो जस्ट कलर को चेंज कर देगा। इसका थियरी क्या होता है, कोई इमेज में ह्यू एंड सेचुरेशन की वैल्यू ब्लेंड कलर में होती है और बेस कलर उसका क्या होता है, ल्यूमिनेसिटी होता है, तो इन दोनों को मिक्स करने पे जो रिजल्ट आता है वो कलर मोड होता है। ओके, मोड में जाते हैं और ल्यूमिनेसिटी ले लेते हैं, ठीक है। सपोज ल्यूमिनेसिटी यहाँ से ले लेते हैं, ल्यूमिनेसिटी क्या करता है, यहाँ पे इस इमेज पे अप्लाई करते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको कलर से कोई मतलब नहीं होता, इसमें बस क्या है, ये करता है ल्यूमिनेसिटी ब्राइटनेस लेवल पे वर्क करता है, ये ब्राइटनेस को इंक्रीज करता है, जहां जहां इमेज में शेडिंग हो या ब्राइटनेस हो उसी लेवल पे ये वर्क करता है। ओके, इसमें कोई कलर भी आप अप्लाई करेंगे तो वो कलर अप्लाई इस पे नहीं होगा, ये विशेष कोई इसका वर्क नहीं होता है, ये बस ब्राइटनेस लेवल पे वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे थियरी में क्या है, ब्लेंड कलर में अगर आपकी वैल्यू ल्यूमिनेसिटी की दी हुई हो और बेस कलर में ह्यू एंड सेचुरेशन की वैल्यू दी होती है, तो ये दोनों को मिक्स करने पे जो रिजल्ट आता है वो होता है ल्यूमिनेसिटी मोड का। ओके, तो आइए अब हम इसको एक पिक्चर में समझ लेते हैं। अभी तक तो मैंने आपको थियरी बताया, ओके, रिप्लेसमेंट टूल का। अब मैं आपको इस पे अप्लाई करके बताती हूँ कि रिप्लेसमेंट टूल कैसे वर्क करता है। तो सपोज यहाँ से रिप्लेसमेंट टूल पिक कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे आप देख रहे हैं थ्री टाइप्स के रिप्लेसमेंट टूल से ही रिलेटेड टूल होते हैं। ओके, तो फर्स्ट टूल क्या होता है, कंटिन्यूअस सैम्पलिंग, कंटिन्यूअस। ओके, सेकंड टूल क्या है, सैम्पलिंग वंस, थर्ड सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वॉच। ये तीन सैम्पलिंग टूल होते हैं रिप्लेसमेंट टूल के। तो पहले सैम्पलिंग टूल का हम अप्लाई करते हैं, यहाँ से सैम्पलिंग टूल ले लेते हैं और इस इमेज को जूम कर लेते हैं। सपोज इसी इमेज पे मुझे अप्लाई करना है तो अप्लाई करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सैंपल कलर पे ही ये क्या होता है, कंटिन्यूअसली अप्लाई होता चला जाएगा। ओके, जो भी सैंपल कलर होगा उसी पे ये कंटिन्यूअसली अप्लाई होगा। ओके, तो ये होता है कंटिन्यूअसली टूल।
ओके, सेकंड क्या है, यहाँ से कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ से दूसरे टूल पे चले जाते हैं, ठीक है। वंस अब यहाँ से आई ड्रॉपर टूल की हेल्प से हम कोई कलर को पिक कर लेते हैं। सपोज यहाँ से इस कलर को मैंने पिक कर लिया, अब देख रहे हैं कि ये सब जगह पे अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि टारगेटेड कलर जो आपने लिया हुआ है वही कलर अगर जहां जहां पिक्चर में होगा बस वही वही ये अप्लाई करेगा, ठीक है, देख सकते हैं। लेकिन एक बार ये ऑल ओवर अप्लाई नहीं होगा, एक बार जो एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया, टारगेटेड कलर जहां से आपने ले लिया, बस वही वही ये अप्लाई होगा। ओके, तो ये होता है सैम्पलिंग वंस टूल। अब हम लोग तीसरे टूल को समझ लेते हैं। तीसरा टूल क्या होता है, बैकग्राउंड स्वाच का। इस कलर को लेती हूँ तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने येलो कलर लिया हुआ है, तो क्या आपको दिख रहा है इस टमाटर में, देख रहे हैं कि आप यहाँ पे मैंने येलो कलर लिया तो इस पे तो येलो कलर है नहीं, तो जहां जहां येलो कलर होगा बस उसी एरिया पे ये क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। बैकग्राउंड स्वाच का मतलब ही ये होता है कि कोई एक जगह से, पर्टिकुलर जगह से आप कलर पिक कर लिए और जहां जहां वो कलर उस इमेज में मिलेगा बस उसी कलर पे, उसी जगह पे ये पर्टिकुलर जगह पे ही ये अप्लाई होता जाएगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पे येलोइश है तो यहाँ यहाँ अप्लाई हो रहा है और पूरे होल पिक्चर में अप्लाई नहीं हो रहा है, देख सकते हैं, जहां जहां येलो होगा वही वही अप्लाई होगा। ओके, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये तीनों रिप्लेसमेंट टूल के, ये जो तीनों टूल्स होते हैं इनके क्या मेथड्स होते हैं और क्या यूजेस होते हैं। ओके, तो अब चलते हैं लिमिट्स पे। लिमिट्स भी अपने कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डिसकॉन्टिजियस, कॉन्टिजियस एंड फाइंड एजेस। ओके, तो डिसकॉन्टिजियस क्या करता है, इस मोड पे आ जाते हैं और यहाँ से लिमिट्स में जाकर डिसकॉन्टिजियस पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और सपोज यहाँ से कोई अदर कलर ले लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो देख रहे हैं कि ये पूरी जगह पे क्या हो रहा है, अप्लाई होता चला जा रहा है। इसको और जूम कर लीजिए, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप जूम करके देख रहे हैं कि ये अप्लाई हो रहा है। एक बार आप नीचे से कलर सैंपल को पिक कर लीजिए, ओके, और नीचे की ये जितने भी पिक्सल्स हैं ये सारे पिक्सल्स को कवर करते हुए वर्क करता है, ये कोई भी पिक्सल्स को छोड़ता नहीं है, ठीक है। कंटिजियस क्या वर्क करता है, कंटिजियस अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये कोई पिक्सल्स को छोड़ देता है, कहीं कहीं ये छूट जाता है इससे। ओके, देख सकते हैं आप, इसकी साइज को आप और स्मॉल कर लीजिए, तो आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं क्या कर रहा है ये कंटिजियस, क्या कर रहा है कि पिक्सल्स को छोड़ देता है, इनको दोबारा से करेंगे अगर आप कवर तब ये होगा। और डिसकंटिजियस क्या करता है कि ये पूरे पिक्सल्स को कवर करते हुए वर्क करता है, जो भी कलर ये नीचे से लेते हैं कलर सैंपल्स को उस पे पूरा वर्क करते हुए, अप्लाई करते हुए चलता है। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस यही होता है कि ये डिसकंटिन्यूअस पूरे पिक्सल्स को कवर करता है और ये क्या होता है कि कुछ पिक्सल्स को कवर करता है, बीच बीच में मतलब इसमें पिक्सल्स रह जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या है फाइंड एजेस, ये क्या करता है कि फाइंड एजेस के ही एरिया को ये लेता है, ओके, और अनदर जगह पे नहीं लेगा, जहां पे ये एज फाइंड करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस बनाना में, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एरिया है और इस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो ये एजेस को फाइंड करते हुए क्या करता है, अप्लाई होता है। इसको और जूम कर लीजिए और इस पे अब अप्लाई करिए, ये क्या करेगा कि कलर इससे बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है, देख सकते हैं ये एजेस को फाइंड करते हुए वर्क करता है। ओके, ये देखिए, ओके, तो ये थ्री लिमिट्स होते हैं, इन तीनों लिमिट्स का मीनिंग समझ ही गए होंगे। टॉलरेंस क्या वर्क करता है, कोई भी इमेज में तीन ही चीज मायने रखती है, एक सेचुरेशन मैटर करता है, ह्यू मैटर करता है और उसकी ब्राइटनेस लेवल मैटर करती है, ठीक है। इन तीनों को आप कंट्रोल कर लेते हो तो इजिली वे में आप कलर को रिप्लेस भी कर सकते हैं और किसी भी टूल को आप अप्लाई भी कर सकते हैं इसमें। तो इसमें आप देख रहे हैं कि टॉलरेंस लेवल मैंने कम किया हुआ है, जब ज्यादा आप टॉलरेंस लेवल करेंगे, हाई करते हैं, तो कलर क्या होता है ज्यादा निकलता है और कलर फैलता है उससे, तो टॉलरेंस लेवल को आपको इसमें कंट्रोल करना है। ओके, तो आज की इस क्लास में आप लोगों ने कलर रिप्लेसमेंट टूल के बारे में सीखा कि कलर रिप्लेसमेंट टूल कैसे वर्क करता है, ओके, और ये किसी इमेज के ऑब्जेक्ट में जो कलर होता है उसको कैसे चेंज करता है। ओके, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, आप लोग इस टूल को एक बार प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि कलर रिप्लेसमेंट टूल किसी इमेज के ऑब्जेक्ट में कोई कलर है उसको चेंज कैसे करता है। ओके, और आपको अगर कहीं भी किसी भी तरीके की डाउट होती है तो आप कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, थैंक यू।